अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला। अजान आ रही है, पहले नमाज पढ़ लेता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा। फैसल, अजान आ रही है, मैं तो कहता हूँ पहले नमाज पढ़ने चलते हैं, उसके बाद आके इसको खोल। कैसी बात कर रहा है यार तू? मौत के मुंह में बैठे हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नमाज पढ़ लेंगे। यार जो भी हो, अल्लाह ताला का बुलावा आया है, नमाज तो पढ़नी पड़ेगी ना। मैं तो कहता हूँ पहले नमाज ही पढ़ाते हैं। यार मेरे सामने तू इतना मौलाना ना बन, तू जाके नमाज पढ़ के आ, मैं अकेले ये काम करता हूँ, और बाद में मुझसे इसका हिस्सा नहीं मांगना। फैसल तुमने चोरी करनी तो करो, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, अल्लाह रोजी देने वाला है, कहीं और से रिस्क दे देगा। हाँ ठीक है तू जा जा। बड़ा आया मौलवी। हैं अबे, ये सीढ़ी यहाँ पे क्यों खड़ी है? ये क्या कर रहा है? दिन दिहाड़े चोरी कर रहा है, वो भी ऐसी के पक्के की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे भाई साहब मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। हाँ फैसल, पंखा चोरी। ये भी तुम्हारा साथी है? हाँ बेटा हो गया है काम, जरा मेरे पास आओ ना। अच्छा ये यहाँ चोरी कर रहा है, तू कहीं और चोरी करने गया हुआ था? अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहीं और चोरी करने नहीं गया था, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। हाँ, चोर हो के नमाज पढ़ने गए हुए थे? अरे भाई साहब चोर है तो क्या हुआ, मुसलमान नहीं है, हम पे भी नमाज फर्ज है, हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। अरे भाई मैं आपको समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इतनी मजबूरी थी तो कोई काम धंधा ढूंढ लेते, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ हाँ हम गए थे काम ढूंढने, लेकिन आजकल के लोग बहुत धोखेबाज हो गए हैं, पहले तो कोई काम नहीं देता, अगर कोई काम दे भी दे तो बाद में पैसे नहीं देते, इसलिए हम मजबूर होके चोरियां करते हैं। हाँ भाई साहब आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको काम भी दूंगा और पैसे भी दूंगा। कोई चोर पैदाइशी चोर नहीं होता, हमारा मुआशरा ही उसे चोर बनाता है। खुदारा मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करें, ताकि वो चोरियां करने पे मजबूर ना हो। अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी शेयर करना, शुक्रिया।